यहाँ पे भाई और बहनों आपके चीफ मिनिस्टर नहीं है, यहाँ के राजा हैं। ये इनका एक ही लक्ष्य है, तेलंगाना की जनता से उनकी जमीन उनका पैसा कैसे लिया जाए। हर शाम चीफ मिनिस्टर भूमि पोर्टल को देखते हैं, इसने क्या खरीदा, उसमें उनको वो भी पता लग जाता है कि उन्होंने कितना खरीदा, पर्सनल रिपोर्ट मिल जाती है, कहाँ 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 चीफ मिनिस्टर ने किसकी जमीन हड़पी। और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बीजेपी और TRS एक साथ काम करते हैं, एक साथ तेलंगाना और हिंदुस्तान के लोगों का फायदा उठाते हैं। चुनाव के समय ये ड्रामा करते हैं, मगर ये दोनों एक साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ, कमजोर लोगों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, किसान और मजदूर के साथ। हमारी सरकार आएगी तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को हम 100% इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे। और जो दलितों को हमने जमीन का वायदा किया था, जो पट्टा दिया, उसका पूरा का पूरा हक हम उनको देंगे। ये धरनी पोर्टल में जो बेमानी हो रही है, गलत नाम डाले जा रहे हैं, इसको हम ठीक करेंगे। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण नोटबंदी और गलत GST। आज मैं बुनकरों से मिला, हैंडलूम इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनसे मिला, और उन्होंने मुझे बताया कि GST ने उनके बिजनेस को बर्बाद कर दिया, उनके काम को खत्म कर दिया। 18% GST लागू कर दी उन पर। भाइयों और बहनों, नोटबंदी और GST ने जो छोटे बिजनेस वाले, मिडिल साइज बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। GST और नोटबंदी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए, और GST और नोटबंदी के बाद जो छोटा बिजनेस चलाता था, जो मिडिल साइज बिजनेस चलाता था, उन सब के बिजनेस व्यापार बंद हो गए। दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम GST को बदलेंगे, और एक टैक्स, सिर्फ एक टैक्स होगा, 5 टैक्स नहीं होने वाले। जैसे किसानों की पहले मदद करते थे, जैसे हमने किसान कर्जा माफ किया था, ऐसे ही हम किसानों की मदद करेंगे। और बहनों, इस यात्रा में आपने पूरा का पूरा समर्थन दिया है।